खबर हरदा जिले की हंडिया तहसील से है, जहां वीर शहीद इलाप सिंह पटेल के पैतृक गांव सालिया खेड़ी में वीर सपूत के स्मारक पर शहादत दिवस के रूप में पुण्य तिथि मनाई गई। बता दें कि सीआरपीएफ के नीमच केंद्रीय रिजर्व बल के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमांडर गोविंद सिंह, सहायक उप निरीक्षक शंभू राम स्वामी समेत वीर शहीद इलाप सिंह के परिवार के लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान असिस्टेंट कमांडर गोविंद सिंह ने बताया कि इलाप सिंह पटेल केंद्रीय रिजर्व बल के बटालियन में पदस्थ थे और बीते 8 मई में 2010 को बटालियन की एक टुकड़ी के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसी के तहत उनकी पुण्य तिथि पर हम उन सबको नमन कर रहे, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हमारे डीजी सर हैं अनीश दयाल सिंह सर, उनके आदेश के अनुसार हम लोग यहाँ पे आए हैं। उन्होंने ये बहुत एक अच्छा बीड़ा उठाया है कि जितने भी शहीद हैं आज हमारे, जब से सीआरपी खड़ी है 1939 से लेकर के आज तक, जो भी शहीद हैं उन सबके परिवार को उनसे मिला जाए, उनकी पुण्यतिथि पे हम लोग जाएँ। पहले ऐसा ही नहीं था, उनके आने से ये चीज़ें बहुत जो हैं स्पीड अप हुई हैं, और उनसे कई लोग हैं जिनको इनका बेनिफिट नहीं मिला। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शहादत के बाद में मिलती हैं वो नहीं मिला। सब चीज़ें जो हैं आज की डेट में सारी कवर हो रही हैं। जो भी उनको देय था, जो उनके लिए सहूलियत सरकार की तरफ से प्रोवाइड की गई है, उस पर कोई कमी ना रह जाए, इस चीज़ को स्पीड अप करते हुए हमारे डीजी साहब का ये पर्सनली उनका ये उन्होंने अपने लिया है कि इसको हम जितना हो सके ग्राउंड रियलिटी में इसको बदलें।